इंसान की खूबसूरती को बढ़ा देता है और अगर सही जगह पे हो तो अब तो और भी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। माथे पे तिल, आंख पे तिल, नाक पे तिल, लिप्स पे तिल होता है तो क्या होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया है। आज मैं बात करूंगी थुड्डी की। जी हाँ, अगर इस जगह पे आपके तिल हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, एक्सप्लेन करके बताऊंगी। राइट साइड, लेफ्ट साइड, बीच में तिल है तो क्या मतलब बनता है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको सामने वाले को, अगर किसी के थुड्डी पे तिल है आप देखते हैं तो उसके नेचर के बारे में पता चलेगा और भी बहुत सारी सीक्रेट्स जान जाएंगे। तो मैं गारंटी देती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद अगर आपने किसी की थुड्डी पर तिल देखा तो आप उसके बारे में झट से जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि थुड्डी पर तिल होने का मतलब क्या बनता है ज्योतिष के अनुसार, समुद्र शास्त्र के अनुसार। सबसे पहले बात करूंगी बीचों बीच अगर जो है आपके थुड्डी के तिल है तो क्या मतलब बनता है। ऐसा इंसान बहुत चंचल होता है, जिंदगी से कई उम्मीदें रखता है, खुश रहना पसंद करता है ऐसा इंसान। साथ ही अगर बीच में तिल है तो सामने वाले को भी अपनी बातों से खुश रखता है, महंगी महंगी चीजें खरीदने का शौकीन होता है, अधिकतर पैसा अपने रहन सहन पर खर्च कर देता है लेकिन पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती। तो अगर थुड्डी के बीच में तिल है तो इसका मतलब ये बनता है। अब बारी दाहिनी ओर अगर थुड्डी के तिल है तो क्या होगा। ऐसा इंसान बहुत ही कलात्मक होता है, लंबे समय तक एक करियर, एक जगह या एक इंसान के साथ रहना पसंद नहीं होता। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में ऐसे इंसान के साथ तो सावधान हो जाइए। मल्टी टैलेंटेड तो होता ही है, नाम मात्र का भी घमंड नहीं होता है इस इंसान में। तो ये हो गई दाहिनी तरफ की बात। अब करते हैं अगर थुड्डी के बाएं तरफ तिल है तो क्या मतलब बनता है। ऐसा इंसान बहुत कंजूस होता है, जरूरत का सामान लेने में भी परेशानी महसूस होती है, दोस्ती निभाने में जो है सबसे अच्छे होते हैं ऐसे लोग। किसी से पहली बार मिले पूरी विनम्रता के साथ मिलते हैं, सभी के साथ जो है प्रेम से बात करते, अच्छे से बात करते, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, लोग इनके फैन हो जाते हैं, अपने व्यवहार से सामने वाले को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो अगर थुड्डी पर तिल है तो ये मतलब बनता है। मैंने आपको दाहिनी ओर, बाईं ओर या फिर बीचों बीच तिल है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने आपको थुड्डी पर आज एक्सप्लेन किया। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कौन से बॉडी पार्ट पे तिल है और अगला सीरीज जो हम सीरीज चला रहे हैं, अगली वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, कौन से बॉडी पार्ट पे तिल के बारे में आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कोई फनी इंसिडेंट है तिल को लेकर तो वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।